अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो, मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। अब मौसम भी चेंज हो रहा है और मौसम के साथ साथ में कुछ अरेंजमेंट भी करनी बाकी है। बहुत सारे पौधे मेरे पानी ना मिलने की वजह से मर गए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे पौधे मेरे पास मौजूद हैं। कल ही मैंने थोड़ी सी सेटिंग करने की कोशिश की है इस एरिया में, जो ये मेरा टेरेस है इसके सेंटर में पिलकन का बड़ा पेड़ लगा हुआ था, जो कि अभी मैंने इसको उठा कर एक कोने में रख दिया है और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। मतलब ऊपर से इसकी मोस्टली अरे सारी ब्रांचेस ही काट डाली हैं, ये देख सकते हैं सभी काट दी हैं मैंने। और अब आहिस्ता आहिस्ता से ये और भी बुशी बन जाएगा। जब इसकी नई ब्रांचेस आएंगी तो ये छोटा सा एक पेड़ लगेगा और इसका जो ट्रंक है नीचे से, ये देखिए, ये और भी थिक हो जाएगा और देखने पर ये और भी ओल्ड लुक देगा। मेरा मकसद था कि ये वाला जो एरिया है बीचों बीच वाला एरिया, ये क्लियर रहे, साफ़ सुथरा रहे, यहाँ पर सिटिंग करने के लिए हमारे पास जगह बन पाए। और ये जो दो लकड़ी के टेबल्स दिख रहे हैं, स्टैंड दिख रहे हैं, ये इस साइड पर लगे होते थे, यहाँ से मैंने उठाया और इनको ऊपर नीचे इस साइड पर रख दिया। इसके ऊपर बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं जो कि अभी बिल्कुल ही खूबसूरत नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि गैदरिंग है, कम्युनिटी में इतने सारे पौधे, छोटा बड़ा गमला, इस तरह पौधा देखने पर हमें क्लियर नज़र नहीं आता, हमारी नज़र एक जगह पर टिक नहीं पाती। डेकोरेशन करनी हो तो थोड़े थोड़े गैप के ऊपर एक एक गमले को रखा जाता है, लेकिन मेरे पास पौधे बहुत ज़्यादा हैं इसलिए सभी कुछ फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और जैसे जैसे जगह मेरे पास बनती जाएगी, एक एक पौधा, एक एक नस्ल का एक एक पौधा मैं अपने इस टेरेस के ऊपर रखूँगा और जो बाकी अजाफी होंगे वो दूसरी जो टेरेस है वहाँ पर मैं शिफ्ट कर दूँगा। मोस्टली को मैंने शिफ्ट कर दिया है, ये देखिए पर्दा बेल की कितनी खूबसूरती है, हैंगिंग पॉट के अंदर लगा हुआ है और चारों साइडों पर पत्तियाँ टहनियाँ नीचे लटक रही हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको नीचे से ट्रिम कर दी है, कटाई कर दी है, ताकि इनके जो टहनियाँ हैं वो एक जैसी ही नीचे वाली साइड पर झुक रही हों, जो देखने पर खूबसूरत भी लगती हैं। कुछ पौधे हैंगिंग पॉट वाले वो हैंग किए हुए हैं ऊपर, अभी इनको भी थोड़ा सा और अरेंजमेंट करूँगा ताकि हमें देखने पर खूबसूरत लगे और हमारी जो ये जगह है ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एम्प्टी ही रहे हर वक्त, ताकि काम करने में आसानी हो, चलने फिरने में, बैठने में आसानी हो सके। और ये मैंने एक साइड पर रख दिया है अपना रुविनिया पाम और दूसरी साइड पर गोल्डन पाम, जिसको अरीका पाम भी कहते हैं। ये फ़िलहाल के लिए यहाँ पर रखा है, लेकिन मेरा सिटिंग एरिया जो होगा, मतलब कि जब मैं वीडियो शूट करता हूँ, ये मेरी चेयर है, यहाँ पर मैं बैठा हूँगा और इस साइड पर कैमरा होगा, तो आपको देखने पर ऐसे ही व्यू नज़र आएगा। थोड़ा सा और डेकोरेट करूँगा, जैसे जैसे अच्छे पौधे मुझे नज़र आते हैं वो अपने लेफ़्ट राइट पर रखूँगा। ये जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं सभी को दूसरे टेरेस के ऊपर शिफ्ट कर दूँगा, यहाँ पर एक नस्ल का एक ही पौधा रहेगा, इस तरह इस टेरेस की ब्यूटी भी बढ़ जाएगी। इस क्यारी के अंदर अमरूद का पौधा भी लगा हुआ है, मेहंदी का पौधा भी है और ऑस्ट्रेलियन नींबू भी लगा हुआ है, जो कि फुल धूप के पौधे हैं। इनको धूप मिलेगी तो ही ये फ्रूटिंग करेंगे, अदरवाइज़ ये फ्रूटिंग नहीं करने वाले, क्योंकि इसके ऊपर ग्रीन नेट भी लगा हुआ है। तो अब यहाँ से मैंने जितने भी हैंगिंग पॉट्स लगे हुए थे वो मैंने हटा लिए हैं, ताकि ब्राइट लाइट, सूरज की तेज़ रोशनी और धूप इस एरिया पर पौधों के ऊपर पड़ सके, ताकि उनकी ब्रांचेज मजबूत हों, उनको फूल लगे और मौसम आने पर उनको फ्रूट फल भी लग सके। चलिए, ये तो तकरीबन क्लियर हो गया है हमारा ये वाला एरिया, और आहिस्ता आहिस्ता और भी ये क्लियर हो जाएगा, सिटिंग एरिया बन जाएगा। ये मिट्टी है, मैं अपने गार्डन की मिट्टी को वेस्ट नहीं करता हूँ, बल्कि इसके अंदर जो भी मोटा मटेरियल होता है, जैसे कि पत्थर हो गए, टूटे हुए गमलों के पीसीज हो गए, बड़े बड़े पत्ते, टहनियाँ हो गई, उसको निकाल लेता हूँ और ओनली मिट्टी रह जाती है, इसको मैं छान लेता हूँ। छानने के बाद मैं दोबारा से अपने पौधों में यूज़ करता हूँ। अब ये जो जगह हमारे पास इन स्टैंड्स के नीचे वाली जगह है, ये काफ़ी एम्प्टी भी है, और इस जगह पर हम जो वेस्ट होगा मेरा गमलों का, कुछ ऐसे पौधे, सीडिंग की हुई, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हिडन प्लेस बन जाएगी, ये बहुत सारी चीज़ें वेस्ट वाली यहाँ पर मैं रख सकूँगा, जिस तरह के यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं। तो सेटिंग भी आहिस्ता आहिस्ता से ही होती रहेगी, एकदम से सब कुछ कर लेना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि अकेले ये सब कुछ करना काफ़ी मुश्किल होता है और अकेले मैं कर भी नहीं सकता था, तो कारपेंटर को बुलाया मैंने कल। ये मोस्टली लकड़ी वाला जितना भी काम आप देख रहे हैं ये सारा कुछ उन्हीं से करवाता हूँ मैं, एक्वेरियम जो बनाया उन्होंने वो भी उन्होंने ही बनाया, तो मेरे पास कोई और बंदा था नहीं, तो कारपेंटर ही हमारे काम आ जाते हैं कभी कभी, तो उन्हीं को मैंने बुला लिया। अब दूसरे टेरेस पर चलते हैं।
ये देखिए जनाब, यहाँ पर कितना गंद है। बहुत सारे कल मैंने पौधे अकेले ही उठाकर इस टेरेस के ऊपर रखे और दोबारा फिर यहाँ से उठाकर वहाँ पर शिफ्ट किए। 12 इंच का 14 इंच का गमला आप जानते हैं कितना वजनी बन जाता है। तो अभी यहाँ पर ये जो लकड़ी के टेबल के ऊपर मैंने एडीनियम के पौधे रखे हुए थे और कुछ कैक्टस भी थे, तो यहाँ पर मैंने इनको रख दिया इस पोर्शन में। आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे जगह वहाँ पर एम्प्टी होती जाएगी वहाँ पर मैं इनको शिफ्ट करता जाऊँगा। मेरे इस टेरेस के ऊपर भी काफ़ी पौधों का हजूम लग चुका है। और ये पीपल का पेड़, इसको मैं वहाँ पर नहीं रखूँगा, इसको इसी टेरेस में ही रखूँगा क्योंकि इनको धूप की ज़रूरत है। अब ये पौधा अब और भी बड़ा हो रहा है इसलिए इसको यहीं पर रहने दूँगा। मैं वहाँ पर सिर्फ वही पौधे रखूँगा जिससे हमारा टेरेस की ब्यूटी बढ़ती है। कुछ नायाब पौधे भी लाऊँगा। बहुत सारे मेरे नायाब पौधे भी थे जो कि पानी ना मिलने की वजह से मर गए। अब आहिस्ता आहिस्ता से और भी मैं पौधे लाऊंगा और उनको भी इसी तरह रखूँगा। करेले की बेल का हाल भी काफ़ी बुरा हो चुका है, अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि खाद का ज़्यादा यूज़ हो गया और पानी कम मिलने की वजह से और धूप में ज़्यादा हीट होने की वजह से खाद का असर कुछ ज़्यादा ही गलत आता है। जब पौधे को ज़्यादा खाद मिल जाए, मिट्टी में ज़्यादा खाद मिल जाए, तो उसकी खाद की हीट को कम करने के लिए हम ज़्यादा पानी देते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं। लेकिन इनको ओवर वाटरिंग भी नहीं हुई थी, 90% मिट्टी खुश्क हो जाती थी तब जाकर इनको पानी मिलता था, जिस वजह से खाद का असर और भी ख़तरनाक हुआ और हमारे पूरी बेल ये वाली जल गई। ये देखिए करेले अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन मोस्टली हमारे जो करेले हैं, अरे ये देखिए ये लगा लगा पक गया पीला होकर। ये सीड था इसके अंदर, ये वाला ये बीज है, अरे गिर गया। चलिए ये तो खैर अब नहीं रह पाएगी। अब सर्दी के दिनों की जो सीडलिंग है वो मैं क्या करूँगा, अभी कोई भी प्लान मैंने नहीं किया है कौन कौन से पौधे सब्ज़ी वाले मैं लगाने वाला हूँ या बीज लगाने वाला हूँ, लेकिन देखेंगे टाइम के हिसाब से। अभी तो 15 अक्टूबर तक सर्दी के दिनों की फूलों की पनीरी, फूलों के बीज और सब्ज़ी के बीज लगाने का टाइम है। कुछ लोग अक्टूबर के एंड तक भी इसकी सीडलिंग, सर्दी के दिनों की सीडलिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं द्रास स्टोर पर आपने अभी तक सीड्स अपलोड क्यों नहीं किए, तो मैं बता दूं हम ज़्यादा बीज सेल नहीं करने वाले हैं, सिर्फ कुछ सीड्स होंगे हमारे द्रास स्टोर में जो आपको देखने में मिलेंगे, सिर्फ वही आप ऑर्डर कर सकते हैं। हम मज़ीद और सीड्स नहीं बेचेंगे क्योंकि सीड बेचना बहुत ही मुश्किल काम है। कंप्लेन काफ़ी आती है, कोई कहता है पैकेट के अंदर सीड्स ही नहीं थे, कोई कहता है सीड जर्मिनेट नहीं होते, कोई कहता है सीड जर्मिनेट होते हैं लेकिन उनका जर्मिनेशन रेट बहुत कम मिलता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, सीडलिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो ही आप सीडलिंग कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते हैं जिससे हमारा इमेज गलत हो। हम सिर्फ वही चीज़ें सेल करते हैं जिसकी कोई कंप्लेन ना हो। सीड आई नो, मैं वही बीज सिर्फ सेल करता हूँ जिनकी जर्मिनेशन रेट भी अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ लोगों से नहीं हो पाता तो वो बैड रिव्यू देते हैं हमें, इसलिए हम बीज सेल नहीं करेंगे। अगर आपने ऑर्डर करना हो तो स्काई सीड की वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए और ऑनलाइन वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी मोस्टली सीड वहीं से लेने होते हैं और आगे आप लोगों को डिलीवर करने होते हैं, तो आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या स्काई सीड का विज़िट कीजिए शॉप पर, वहाँ से जाके भी आप सीड ले सकते हैं। अब ये फर्न स्पैरागस, ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। इनमें से कुछ पौधे मैं उठाऊँगा और अपने दूसरे टेरेस पर रखूँगा ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मॉर्निंग ग्लोरी लगी हुई है, बटरफ्लाई पी लगी हुई है, पैसीफ्लोरा वाइन लगी हुई है, जो कि यहाँ इनको मैं उठाकर वहाँ पर शिफ्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये एक बेल है और इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ चुकी है, इसको वहाँ पर शिफ्ट करना मुश्किल है। चलिए अभी बहुत कुछ करना है, जैसे जैसे सब कुछ कर लूँगा फाइनल जैसे हो जाएगा तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब आराम से हम अपने इस टेरेस के ऊपर नए नए पौधे लाएंगे, उनके ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे, उनके नाम, उनकी केयर क्या क्या है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वाली सेटिंग कैसी आपको लग रही है, काफ़ी खूबसूरत है। ऊपर देखे ऊपर भी गमले, नीचे देखे साइडों पर, चारों साइडों पर पौधे ही पौधे हैं। बीच वाला एरिया एम्प्टी है, यहाँ पर सिटिंग एरिया होगा, हो सकता है फ्यूचर में सेंटर में एक टेबल हो और उसके साइडों पर दो तीन चेयर्स मैं रखूँ ताकि आराम से यहाँ पर बैठा जा सके। और आहिस्ता आहिस्ता आगे मौसम भी चेंज हो रहा है, सर्दी के दिन भी आ रहे हैं, सर्दी के दिन में यहाँ पर बैठना पौधों के बीचों बीच में और ठंडी हवा चलना और साथ में गर्म गर्म चाय का कप पीना काफ़ी अच्छा हो सकता है। और ये जो बाहर वाला एरिया था, यहाँ पर मैंने बहुत सारे पौधे इसलिए रख दिए हैं ताकि ये हमारी एक प्राइवेसी, एक वॉल बन जाएगी पौधों की ही। जिस तरह ये बटरफ्लाई पी ने ये वाला एरिया कवर कर रखा है और साथ में बैम्बू प्लांट ने भी एरिया कवर कर रखा है, इसी तरह मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक पौधों की ही दीवार बन जाए ताकि हमारी नज़र पीछे वाली साइड पर जा ना पाए। जो भी आपको दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, ये मेरी कोशिश है कि ये एक प्राइवेसी पौधों की ही एक दीवार बन जाएगी
और उनके अंदर से जब हवा चलेगी तो ठंडी होकर ही हमारे इस टेरेस के ऊपर आएगी, तो ट्रॉपिकल गार्डन का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर आ गया। अभी फ़िलहाल के लिए मेरा कोई प्लान नहीं है कि ऊपर इसके जो वो मैंने एक लैरिक शीट लगानी थी, मतलब प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट शीशा आता है, वो मेरा प्लान था कि मैं अपने इस फूड को उतार दूंगा, इसकी जहाँ पर लोहे का फ्रेम बनवाऊंगा और उसके ऊपर मैं लगवाऊंगा शीट्स। क्लैरिक शीट उसको बोलते हैं, वो होती है प्लास्टिक की शीशे तरह की शीट होती है जिसके अंदर से सूरज की रोशनी भी इन आउट हो सकती है। तो फ़िलहाल के लिए मेरा वो वाला प्लान बिल्कुल नहीं है अभी, फ़िलहाल तो अपने गार्डन को डेकोरेट कर रहा हूँ मैं, जैसे ये हो जाएगा उसके बाद में देखेंगे, हो सकता है कि वो भी मैं फ्यूचर में करूं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं पौधों से ही अपने पूरे इस गार्डन को कवर करना चाहता हूं।